हेलो दोस्तों, वंस अगेन वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूं आपकी दोस्त अलीशा और आप देख रहे हैं AR111। तो आपने मेरी स्टड मफिन पायराइट स्टोन रिंग की अनबॉक्सिंग वीडियो देखी थी, तो मैंने उसमें बोला था कि मैं एक और वीडियो बनाने वाली हूं कि मैंने इसको कैसे वियर किया। तो अभी मैं फटाफट से आपको बताने वाली। तो मैंने जब बॉक्स ओपन कर लिया, उसको अनबॉक्स कर लिया, उसमें से रिंग निकली ओवल शेप में। पायराइट स्टोन है ये एक फॉर गुड लक, फॉर अच्छी वेल बीइंग, मैनिफेस्टेशन, ब्लेसिंग्स के लिए। तो अभी मैंने उसको एक मैनिफेस्टेशन, एक तरह की प्रेयर्स है, एक तरह की बिलीविंग है, बिलीफ है, ट्रस्ट है, मतलब बहुत पावरफुल एनर्जी है। तो पावरफुल एनर्जी को पावरफुल तरीके से ही रिचार्ज कर सकते हैं और उसको वियर कर सकते हैं। तो वैसे ही एकदम मैंने उसको बॉक्स किया, तो उसके बाद धूप वगैरह से इसको अच्छे से उसके अपनी प्रेयर्स करी और एक अपना मनी बाउल भी बनाया जिसमें मैं इसको रखने वाली हूँ नॉर्थ कॉर्नर में। तो उसके बाद हमने इसको ऐसे प्रेयर्स करी। और अगर आप वो मनी बाउल वाला देखना चाहते हो वीडियो, वो भी मैं इसमें लाने वाली हूँ। तो आप स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। और फटाफट हमने इसको कर, जैसे उन्होंने बताया था, होप दिस पायराइट स्टोन ब्रिंग यू गुड लक, बिग पुची फ्रॉम पारस तोमर। तो वैसे ही मैंने एक ग्लास में पानी लिया और उसमें थोड़ा सा रॉक सॉल्ट ऐड किया। तो उसके अंदर मैंने अपने ये रिंग को, पायराइट स्टोन को, एटलीस्ट 15 से 20 मिनट्स के लिए रखा, उसको अच्छे से साफ़ होने के लिए, रिचार्ज होने के लिए। तो अगर आप ये चीज़ 15 से 20 डेज़ के बीच में भी करोगे तो आप अपने क्रिस्टल को रिचार्ज कर सकते हो। बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस है। उसके बाद अपनी मैनिफेस्टेशंस करो और ब्लेसिंग्स लो, अपने गुड लक को और भी ज़्यादा पावरफुल बनाओ और अपने हार्डवर्क को चाहते होगे। आपको पता है कि आपका हार्डवर्क इतना सही है, तो आप करो। तो ओके, यही था। और वीडियोज़ के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। ट्राइडेंट एस्टेट साइनिंग ऑफ AR111। बाय।